किसी गांव में एक जमींदार रहते थे। उन जमींदार को दो बेटे और एक बेटी थी। वह जमींदार बड़े भगवत भक्त थे। एक दिन उनके घर पे किसी महापुरुष का आगमन हुआ। वह संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। वह सदा अपने साथ में शालिग्राम की 3-4 प्रतिमाएं रखते थे। जब वह महापुरुष जमींदार के घर पे आए तो अपने नियम के अनुसार भगवान शालिग्राम की मूर्ति का बड़े भाव से पूजन कर रहे थे। उन्हें इस प्रकार पूजन करता देख जमींदार की 5 वर्ष की बेटी उनके पास जाकर कहने लगी, हे भगवान, यह एक शालिग्राम की प्रतिमा मुझे भी चाहिए, क्या आप मुझे यह दे सकते हैं? पहले तो संत जी ने उसे मना कर दिया, पर उसका बड़ा प्रेम भाव देखकर संत जी कहने लगे, इसे अपने पास रख लो और निरंतर सच्चे भाव से इसकी पूजा करती रहना, यह सदा तुम्हारा भला करेंगे। कुछ दिन संत वहां रहने के पश्चात अपने आगे की यात्रा की ओर निकल गए। अब यह छोटी बेटी बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की पूजा करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि जमींदार की मौत हो गई। अब तो उस जमींदार के दो बेटे अपने अनुसार घर का कार्य संभालने लगे और उनकी यह छोटी बहन सच्चे हृदय से घर का काम भी करती और अपने भगवान की पूजा भी करती। लेकिन एक दिन संयोग से ऐसा कोई अवसर आ गया जो दोनों भाइयों के बीच में बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया। वह झगड़ा इतना बढ़ता गया जो जमींदार के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई को धमकाते हुए कहा, मैं आज ही तुम्हारा यह घर छोड़कर अन्य कहीं रहने के लिए जा रहा हूँ। बड़े भाई ने उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। छोटा भाई कहने लगा, हम दोनों मेहनत साथ करते हैं, पर तुम्हारे मन में लालच है, तुम अधिक पैसे हड़पना चाहते हो। जब तक पिताजी थे तब तक सब कुछ अच्छा चलता था, पर पिताजी के जाने के पश्चात तुमने मेरे साथ धोखा ही किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कह उसने घर का सारा सामान उठा लिया, पर अज्ञानता के कारण उसने वह मूर्ति भी उठा ली जो उसकी बहन की थी। वह तो अपनी बहन की उस शालिग्राम की मूर्ति को उठाकर अन्य गांव की ओर चला गया। जब बहन ने मंदिर में जाकर पूजा प्रारंभ करने का प्रयास किया तब उसे वह मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब वह रोते हुए अपने बड़े भाई के पास आकर कहने लगी, आज तुमने बड़ा गलत कार्य किया है, एक तो अपने भाई से झगड़ा किया है और आज जब छोटा भाई सारा सामान उठाकर यहाँ से निकल गया है तो उसके साथ वह मेरी मूर्ति भी लेकर चला गया है। अब जल्दी से मुझे वह अपनी मूर्ति लाकर दो, नहीं तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। अपनी बहन की बातें सुनकर बड़ा भाई क्रोधित होकर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उस मूर्ति के कारण मैं अपने छोटे भाई के आगे हाथ फैलाऊंगा? मैं जाने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम स्वयं जाकर उससे मूर्ति ले आओ। वह छोटी बहन अपने भाई को समझाते हुए कहने लगी, मैं कैसे दूसरे गांव जा सकती हूँ, मुझे कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे अपने साथ लेकर चले। तब बड़े भाई ने अपने नौकर को आदेश देते हुए कहा, तुम इसके साथ जाओ, यह अपने छोटे भाई के घर से मूर्ति वापस लेकर आएगी। अपने बड़े भाई के नौकर को संग ले वह बहन अपने छोटे भाई के पास मूर्ति लेने पहुंची। जैसे ही वह मूर्ति लेने के लिए अपने छोटे भाई के घर में प्रवेश कर रही थी तभी किसी ने टोकते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, बड़े भाई ने तुम्हारा मान नहीं किया, क्या उसने तुम्हारा भी अपमान किया है जो उसे छोड़कर अपने छोटे भाई के पास लौट आई हो? तब वह बड़े प्रेम से उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहने लगी, मैं अपने भाई के पास पहली बात तो समझाने के लिए आई हूँ, वह वापस घर चले, और दूसरी बात, जब वह घर से सामान लेकर निकला था तो उसके संग मेरे भगवान का वह विग्रह भी लेकर आ गया है जिसकी मैं बड़े प्रेम से सेवा पूजा करती हूँ। उस भक्त की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति बड़े जोर से हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारे भगवान तुम्हें छोड़कर आ गए, यह तो बड़े अजीब भगवान है जो अपने भक्तों को ही छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति की यह बातें छोटी कन्या के मन में बड़ी पीड़ा देने लगी। वह कहने लगी, मेरे परमात्मा के विषय में ऐसा न कहो, वह सदा भक्तों के साथ रहते हैं, वह कभी भक्तों को छोड़ते ही नहीं है। तुम अपने मन से इस प्रकार का ख्याल बिल्कुल निकाल दो, वह सदा मेरे साथ हैं।
तब वह व्यक्ति व्यंग से हंसता हुआ और अधिक बोलने लगा, अगर तुम्हारे परमात्मा तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो तुम्हें छोड़कर क्यों आ गए हैं? अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह तुम्हारे पास स्वतः आ जाते, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तब उस व्यक्ति की बात सुनकर वह छोटी कन्या अपने भाई के दरवाजे के बाहर ही बैठ गई। तुम मेरे भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परमात्मा मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ मैं ही उनसे प्रेम करती हूँ। वह कहने लगी, अब मैं अपने भाई के घर के अंदर जाकर अपने भगवान को नहीं लेकर आऊंगी। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे भगवान स्वयं चलकर मेरे पास आ जाएंगे। उन दोनों का यह वार्तालाप सुनकर गांव के सारे लोग हंसने लगे। इतने में छोटा भाई भी बाहर से आ गया। अपनी बहन को देखकर वह प्रसन्न होकर कहने लगा, चलो तुम अंदर चलो, तुम मेरी बहन हो, मेरा तुम्हार से कोई भी विरोध नहीं है। जो विरोध था बड़े भाई से था। तब वह बहन कहने लगी, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकती हूँ, तुम्हारे गांव के इस व्यक्ति ने मेरे भक्ति का मजाक उड़ाया है। अब तो मैं परमात्मा से यही वंदना करती हूँ वह स्वयं मेरे पास चलकर आ जाए। मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर से अपने परमात्मा की प्रतिमा लेने आई थी। तब छोटा भाई कहने लगा, तुम यहाँ ठहरो, मैं उस प्रतिमा को अंदर से लेकर आता हूँ। तब वह कहने लगी, नहीं, तुम्हें वह प्रतिमा लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो परमात्मा स्वयं मेरे पास मेरी गोद में आ जाएंगे। जब लोगों ने पुनः उस कन्या की यह बात सुनी तब वह बड़े जोर से हंसते हुए कहने लगे, यह तो अजीब पागल है, क्या कभी परमात्मा की पत्थर की मूर्ति चल भी सकती है? जब इस प्रकार सब लोग उसकी मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे, वह कन्या रोते हुए परमात्मा से प्रार्थना कर कहने लगी, हे भगवान, अब तो मेरे मान की बात है, आप भक्तों की लाज रखते हो, यह आज प्रत्यक्ष करके दिखाइए। इस प्रकार रोते हुए परमात्मा से कहने लगी, हे भगवान, आज आप स्वयं चलकर मेरे पास आइए, मेरा भी मान बढ़ाइए और अपने उन शब्दों की रक्षा कीजिए जिसमें आप कहते हैं, जो सच्चे भाव से मेरी वंदना करता है मैं सदैव उसके साथ हूँ। जब वह इस प्रकार रोते हुए परमात्मा से प्रार्थना करने लगी तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार हुआ। जो छोटे भाई के घर के अंदर अन्य सामानों के साथ जो शालिग्राम की मूर्ति पड़ी थी वह अचानक आकाश से उड़ते हुए घर के अंदर से निकलते हुए सबके आंखों के सामने सीधा उस भक्त के गोदी में आकर गिरी। जब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वह देखकर बड़े हैरान हो गए कि जो शालिग्राम की मूर्ति अंदर पड़ी थी वह बिना किसी के सहारे स्वयं आकाश से उड़कर इस भक्त की गोदी में किस प्रकार गिरी है। लोगों को यह चमत्कार देख पहले तो उस पर यकीन नहीं हुआ, पर जब लोगों ने इस बात को अपनी आंखों से देखा था तो आंखों से देखे हुए पर अविश्वास करना उनके लिए कठिन हो रहा था। तब वह भक्ता रोती हुई भगवान शालिग्राम को अपने नेत्रों से लगाते हुए कहने लगी, हे भगवान, आज आपने भक्त का मान बढ़ा दिया है। जब वह इस प्रकार कहे अपने बड़े भाई के घर की ओर जाने लगी तब वह छोटा भाई उसके चरणों में गिर कहने लगा, हे बहन, मुझे माफ करो, तुम जैसा भक्त मेरे घर के बाहर से होकर निकल जाए और अंदर ना चले, इससे अधिक मेरे जीवन का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तब वह बहन अपने भाई को समझाते हुए कहने लगी, अगर तुम मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो अभी का अभी अपने बड़े भाई के घर चलो। अपने बहन के इस प्रस्ताव को वह भाई टाल न सका। तब वह अपनी बहन की बात मान अपने बड़े भाई के पास पुनः लौट आया। बड़े भाई को समझाते हुए बहन ने कहा, आज के बाद इससे कभी भी गलत नहीं चलना, मैं इसे अपने साथ वापस लेकर आई हूँ। इतने में अन्य लोगों ने भी बड़े भाई को इस भक्ति का चमत्कार बता दिया। वह भी हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, एक तो तुम सच्ची भक्ता हो, मेरे घर पर रुकी हुई हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें पहचान न सका, और मैंने अपने छोटे भाई से धोखा किया है, उस अपराध के लिए भी मैं तुमसे और अपने भाई से क्षमा मांगता हूँ। अब तो वह दोनों बड़े भाई अपने बहन के संग एक ही घर में रहने लगे। तो परमात्मा ने किस प्रकार स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त का मान बढ़ा दिया। वह दयालु परमात्मा सदैव भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन वह प्रकट तब होते हैं जब उनके प्रति भाव सच्चा हो।
प्रार्थना सच्ची हो तब वह स्वयं प्रकट होकर भक्तों का मान बढ़ा देते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले ऐसे परम प्रभु के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।